नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। और आज के इस लेसन में हम एक बहुत खास चीज़ सीखने वाले हैं, कॉर्ड्स के बारे में। हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश थी कि कॉर्ड्स के बारे में, मेजर माइनर जो हमारा ये कॉर्ड्स होते हैं, इसके बारे में हमारे कुछ व्यूवर्स को काफ़ी संशय था, काफ़ी मतलब डाउट था कि जब मेजर कॉर्ड होता है तो क्या क्या नोट्स यूज होते हैं, माइनर कॉर्ड होता है तो क्या क्या नोट्स यूज होते हैं। अभी मुझे एक कमेंट इस तरह का मिला कि उन्होंने पूछा है कि क्या माइनर कॉर्ड होने से गा तो कोमल होता ही होता है, धा नी भी कोमल हो जाएंगे, और या मेजर होने से जरूरी है कि धा और नी या आपका रे शुद्ध ही रहे। तो कुछ इस तरह के सवाल थे, तो आज मैं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और बिल्कुल ये क्लियर आपको बताऊंगा कि मेजर होने से क्या क्या नोट्स यूज होंगे और क्या तरीका है मेजर कॉर्ड्स को पकड़ने का, और अगर हम उस कॉर्ड को माइनर करते हैं तो माइनर कॉर्ड जब वो बनेगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, और क्या रूल रेगुलेशन है मेजर से माइनर होने में, क्या स्वरों का चेंज आता है, ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइएगा शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि हम अच्छे अच्छे लेसन म्यूजिक के आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएं। आइएगा देखते हैं, समझते हैं कॉर्ड्स का क्या सिस्टम है। अब जो कॉर्ड्स है मेजर माइनर दोनों तरह के कॉर्ड्स को हम समझेंगे। कि पहले बात कर लेते हैं मेजर कॉर्ड्स की, ठीक है। अब मान लिया हम इसको सा मानते हैं तो हमारा ये मेजर कॉर्ड बनता है। इसमें एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि मेजर कॉर्ड हो चाहे माइनर कॉर्ड हो, कॉर्ड जो बनता है हमारी कंपोजिंग के अकॉर्डिंग बनता है। जिस तरह की हमारी कंपोजिंग है, जिस तरह के स्वर हमारी कंपोजिंग में यूज होंगे, चाहे आप भजन गाएं, चाहे आप गजल गाएं, चाहे आप फिल्मी सॉन्ग गाएं, जो स्वर का रूट रहेगा हमारी कंपोजिंग में, उसी रूट के हिसाब से कॉर्ड्स बनते हैं, मेजर हो चाहे माइनर हो, ठीक है। अब देखिएगा, एक सीधा सा फॉर्मूला सबको पता है कि अगर हमारा मेजर कॉर्ड है तो उसमें क्या क्या स्वर यूज होंगे, सा, शुद्ध, गा और पा, ये तीनों स्वर यूज होंगे, ठीक है। और अगर माइनर कॉर्ड होगा तो गा को हम कोमल कर देंगे, सा कोमल, गा और पा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहता है कि सा, शुद्ध, गा और पा मेजर कॉर्ड, सा कोमल, गा और पा माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब जो कंफ्यूजन है जिसको लेकर के जो बिगनर है वो परेशान होते हैं या उनको डाउट चलता है माइंड में, वो ये है कि अगर मेजर कॉर्ड होगा तो उसमें क्या क्या स्वर होंगे और माइनर कॉर्ड होगा तो उसमें क्या क्या स्वर होंगे। देखिएगा, जैसे मान लिया हम थाट के हिसाब से बात कर लेते हैं, हमारा मान लिया बिलावल थाट है। अब बिलावल थाट की क्या पोजिशन है कि बिलावल थाट में आपका सभी स्वर जो है वो शुद्ध होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सभी स्वर शुद्ध हैं। तो पहला जो कोड है वो मेजर ही बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, मेजर कोड ये भी है बिलावल थाट के हिसाब से, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। अब आ जाओ सेकंड, हमारा खमाज थाट है। खमाज थाट में मान लिया क्या है कि नी कोमल लगता है अवरों में, और हमारा मेजर कोड है तो स्वर यही रहेंगे, ठीक है। अब आप अगर बात करें, जैसे एक राग है चारुकेशी, अब चारुकेशी में क्या है कि धा भी कोमल है और नी भी कोमल है लेकिन गा शुद्ध है, तो अगर आप चारुकेशी गाना चाहते हैं तो कॉर्ड यही बनेगा लेकिन धा और नी कोमल हो गए हैं, ठीक है। अब जितने भी स्वर आप उस कंपोजिंग में यूज करेंगे, जो भी आप कंपोजिंग गाना या बजाना चाहते हैं, उस कंपोजिंग में आप बाकी सभी स्वरों को ढूंढिए, देखिए, लेकिन जो मेन उसका कॉर्ड होगा वो सा गा के हिसाब से ही होगा,
गा के हिसाब से ही होगा, ठीक है। गा अगर कोमल है उस कंपोजिंग में तो माइनर कॉर्ड रहेगा, और अगर शुद्ध गा उसमें यूज हुआ है तो मेजर कॉर्ड रहेगा। अब आगे चल करके जैसे मान लिया फर्स्ट लाइन में मेजर कॉर्ड है, आगे चल करके धुन जब चेंज होती है तो हो सकता है कहीं माइनर भी ये भी आ जाए या कहीं ये भी आ जाए, वो धुन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का उसमें यूज होना है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि अगर आपका कंपोजिंग में गा शुद्ध है तो मेजर कॉर्ड ही रहेगा, बाकी के स्वर भले ही चेंज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे के कॉर्ड्स हो सकता है चेंज हो जाएं कंपोजिंग के हिसाब से, लेकिन फर्स्ट कॉर्ड जो है वो मेजर ही रहेगा अगर गा शुद्ध हो तो, ठीक है। अब जैसे मान लिया राग यमन है, अब यमन में जो है मा तीव्र लगता है, ठीक है, कल्याण या यमन, ठीक है। अब यहां पर मा शुद्ध की जगह तीव्र यूज हुआ है, लेकिन हमारा गा शुद्ध है तो कॉर्ड यही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि गा जहां पर भी शुद्ध होगा वहां पर मेजर कॉर्ड होगा, कंपोजिंग के हिसाब से आगे चल के चेंज हो सकता है। अब जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देकर के बताता हूं, कंपोजिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कुछ और कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि मान लिया हम सरगम बजाते हैं सीधी सीधी, सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है, तो सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, बिलावल थाट, सभी शुद्ध स्वर हैं। आप अगर इस बात को मानेंगे कि अगर शुद्ध स्वर है तो सारा मेजर कॉर्ड ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। अब देखिएगा, जैसे मान लिया अब हम सभी स्वरों के हिसाब से कॉर्ड यूज करते हैं, तो मान लिया सा पर हमारा ये कॉर्ड आएगा मेजर, रे पर हमारा माइनर कॉर्ड हो जाएगा सा रे, रे पर हमारा ये कॉर्ड बन गया डी शार्प माइनर, क्योंकि रे के हिसाब से रूट ये बन रहा है, ठीक है। गा आएगा, गा पर आप ये भी कॉर्ड यूज कर सकते हैं एफ माइनर, या ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मा आएगा, मा पर एफ शार्प मेजर कॉर्ड बनेगा, पा आएगा, पा पर जी शार्प मेजर कॉर्ड बनेगा, धा आएगा, अब धा पर आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, बी फ्लैट माइनर कॉर्ड बनेगा, ठीक है। नी पर फिर वापस आपका जी शार्प मेजर, सा पर फिर सी शार्प मेजर। तो इस तरह से आप स्वरों के हिसाब से जो कंपोजिंग हमारी चलती है उस कंपोजिंग के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि कहां पर मेजर यूज होगा और रूट के हिसाब से और कहां पर माइनर आएगा। अब बात कर लेते हैं माइनर की, ये तो हुआ मेजर का फंडा। अब अगर हमारा कॉर्ड चेंज होता है माइनर की तरफ हम आते हैं, तो जैसे मान लिया आपका आसावरी थाट है या भैरवी थाट है। अब देखिएगा आसावरी जो है, आसावरी में गा धा और नी तीनों स्वर कोमल होते हैं, गा कोमल धा कोमल नी कोमल, ठीक है। तो गा कोमल है इसलिए माइनर कॉर्ड बन गया। अब लेकिन माइनर और मेजर कंपोजिंग के हिसाब से, अब अगर हमारी कोई धुन इस तरह की चल रही है कि वो रे पर आकर रुकती है, तो यहां पर तुरंत बी मेजर कॉर्ड बन जाएगा। जैसे मेरे रस के कमल तूने पहली नजर, नजर जो आया वो यहां आकर के रुका, यानी कि सा और कोमल नी, ये कोमल नी पर रुका, तो कोमल नी के हिसाब से कॉर्ड बन गया मेजर, तो ये हो गया बी मेजर कॉर्ड, ठीक है। कहने को आसावरी है, अब यहां जो मेन कॉर्ड है इसका वो माइनर है, लेकिन ये मेजर बन गया, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है कंपोजिंग के ऊपर, ठीक है। अब मान लिया धुन हमारी यहां पर चली जाती है, ये यहां मेजर कॉर्ड आ गया, ठीक है। तो सिचुएशन देखनी होती है हमेशा कॉर्ड्स की, रूट की, कि धुन की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हमेशा मेजर और माइनर तय होता है। और ये फंडा कहीं भी नहीं है कि अगर मेजर कॉर्ड है तो सारे शुद्ध स्वर होंगे और अगर माइनर कॉर्ड है तो सारे कोमल स्वर होंगे, ये फंडा कहीं भी नहीं है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है स्वरों के रूट के हिसाब से और कंपोजिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये संशय बिल्कुल माइंड में ना रखें, हमेशा देखें कि रूट क्या है स्वरों का और स्वरों की कंपोजिंग की क्या डिमांड है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताना चाहा है वो आप समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। कीजिए प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।